सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल गुरुजी सेशंस एंड दिस इज द सेवेंथ लेक्चर ऑफ एसएससी सीजीएल ज्योग्राफी। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ज्योग्राफी हियर फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली फ्रॉम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एंड वी आर ट्राइंग टू कवर अप एवरीथिंग पॉसिबल एंड ट्राइंग टू मेक दिस क्लास सेल्फ सफिशियंट सो दैट अगर आप यहाँ से पढ़े, इफ यू रीड फ्रॉम हियर, इफ यू स्टडी फ्रॉम डिजिटल गुरुजी क्लासेस, देन यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी अदर नोट्स। स्पेशली लेट मी टेल यू फॉर द जीएस सब्जेक्ट फॉर ज्योग्राफी व्हाट आई हैव डन इज यू जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द क्लासेस एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स दैट वी एक्सप्लेन हियर, बिकॉज यहाँ पे नोट मेकिंग का कोई जरूरत नहीं है। ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ डीजी नोट्स इन द ऑफिशियल चैनल ऑफ महिंद्रास। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आप लोग यहाँ पे समझने पे ध्यान दीजिए, किसी तरीके का कोई नोट्स यहाँ पे बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको डीजी नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे कि पिछला दो क्लासेस का आपको नोट्स ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो इसी तरीके से आगे के सभी क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द क्लासेस एंड जस्ट फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशंस। कोई भी डाउट होने से उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वी विल डिस्कस इट। एंड हर एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव एडेड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस एसएससी एग्जाम्स व्हिच माइट बी रिपीटेड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बिकॉज एज यू नो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ओके, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सेशन के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। See, the first thing is we had divided geography into two parts, that is world geography and Indian geography. Now, in the world geography session, we had already discussed about universe, galaxy, solar system, planets. Then we have talked about our planet, that is Earth. Now, we are talking about hydrosphere, because in the last class, we had discussed atmosphere. So, in today's class, we are going to discuss about hydrosphere. Okay, so let's start with the session. Let's start with hydrosphere. Okay, so what is basically hydrosphere? Hydrosphere kya cheez hota hai? Same diagram jo last class mein tha, exactly the same diagram. Hydrosphere, hydrogen, water, hydrosphere aapka kya hota hai? That is basically the water components on the surface of the earth. ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर जितने सारे वाटर बॉडीज आपको दिखते हैं, ओशियंस, ग्लेशियर्स, या फिर रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, इनफैक्ट इवन इन द एटमॉस्फियर यहाँ पे भी आपके वाटर वेपर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इवन दैट आर अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फियर। ओके, सो एवरीथिंग टुगेदर कंपाइल्ड इज नोन एज योर हाइड्रोस्फियर। क्लियर है? नाउ we know that the planet Earth is also known as water planet or blue planet. क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों Earth को blue planet बोला जाता है, इसके पीछे reason क्या है? The reason is 71% of the surface is covered with water. हमारा जो पृथ्वी का सतह है, इसके ऊपर 71% में आपको सिर्फ पानी ही दिखेगा, बाकी सभी परसेंट में आपको क्या दिखेगा? जमीन दिखेगा या फिर लैंड दिखेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, यहाँ तक बहुत सिंपल है, ठीक है? क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया? व्हाट इज हाइड्रोस्फियर, जो पानी पानी आपको हर जगह दिखता है, दैट इज योर हाइड्रोस्फियर, ठीक है? एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोस्फियर होता है क्या? जी हाँ, एटमॉस्फेयर में, हवा में भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पानी के वेपर्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फियर। कितने परसेंट है? 71% है। दैट्स वाई लेट मी टेल यू अंकिता जैन, डिजी नोट्स आर प्रोवाइडेड इन बोथ दी लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। डिजी नोट्स दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइडेड है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। शम्मी मिश्रा, येस, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर या फिर कवर्ड विथ वाटर, दैट इज वाई इट इज 71%, दैट इज वाई अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। अगर आप स्पेस से देखेंगे तो अर्थ आपको एक ब्लू प्लैनेट नजर आएगा। दैट इज द रीजन वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, बिकॉज 71% इज वाटर। क्लियर है? सिंपल सा चीज है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अबाउट दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
जो आपका एक एडवर्टाइज में दिखाता है कि सन जो है एक पाइप से क्या कर रहा है, धरती से पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, इन अ हॉट डे। एक गर्म दिन में क्या होगा, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वहाँ से वाटर इस तरीके से ऊपर जाएगा, है ना, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। दिस प्रोसेस, जो आपका वाटर ऊपर जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, ऊपर जाने के बाद वी नो दैट द हायर वी गो द कूलर वी फील। एटमोसफियर टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहाँ पे जैसे ही अर्थ से, सरफेस से जब ये पानी ऊपर उठ जाता है, जब ये वाटर वेपर ऊपर उठ जाता है, तब क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और सारे वाटर वेपर ऊपर जाके वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्डेंस हो जाता है, कॉन्डेंस हो जाता है। कॉन्डेंस होने के बाद यहाँ बन जाती है आपके क्लाउड्स। ओके, बचपन से हम लोग को पता है यहाँ बन जाता है आपका क्लाउड्स। अब क्या क्या चीज़ें हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या क्या चीज़ें हो सकता है जिसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज बारिश होता है। इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और यही सब आपका क्या हो जाता है, ओशंस में, सीज में, या फिर अगर आपने आर्टिफिशियली वाटर को हार्वेस्ट किया है, देन उस फॉर्म में आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। घर के बाहर एक बाल्टी लगा दीजिए जब बारिश हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर कलेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड का ये था, बिल्कुल। तो इसके आगे देखिए, अब जो आपका कॉन्डेंसेशन होता है ना, कॉन्डेंसेशन, देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉन्डेंसेशन, देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉन्डेंसेशन, अलग अलग तरीके से कॉन्डेंसेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक वन एग्जाम्पल हियर, ड्यू। ड्यू मतलब सुबह सुबह आप जब उठ के बाहर किसी प्लांट के पत्ते को देखेंगे, उसके ऊपर ओस जमा होगा, उसके ऊपर ओस जमा होगा, दैट इज नोन एज अ ड्यू, विच इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्डेंसेशन, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, फॉर्म ऑफ कॉन्डेंसेशन होता है। अगर हम बात करें फॉग, एफ ओ जी, फॉग, ठीक है, फॉग क्या होता है, वही चीज रास्ते में अगर आपको कहीं दिखता है, फॉग दिखता है, दैट इज जो धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्डेंसेशन, ठीक है। स्मॉग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्डेंसेशन, मनी मनप्रीत, that is when your dust particles or smoke mixes with, when smoke is mixed at that time, it will be known as your smog. Okay, तो इस तरीके से various चीजें यहाँ पे आपका बन सकता है, which are known as forms of condensation, ठीक है। आगे अगर हम बात करें precipitation के बारे में, precipitation भी आपका various forms का हो सकता है। For example, रेनफॉल हो सकता है, नॉर्मल बारिश हो सकता है, हेल फॉल हो सकता है, ठीक है। जब आपका यहाँ पे हेल फॉल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, देखिए स्टोन्स गिरते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, स्टोन्स गिरता है, बारिश क्यों नहीं गिर रहा है, स्टोन क्यों गिर रहा है, ऐसा हुआ होगा उस वाटर ड्रॉपलेट के साथ कि वो कॉन्डेंस हो गया होगा, उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर गया होगा। एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, the water vapor or the water molecule will convert itself to ice that will appear like stone, so at that time it will be your stone form, ठीक है। तो इस तरीके से there are various forms of precipitation as well. आगे चलते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ में वापस से हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक में, दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर। देखिए अर्थ में जितना भी पानी है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्थ के सरफेस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 71% ऑफ दी सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड दी रेस्ट 21% इज योर रेस्ट 21% इज योर ओके लेट मी मेक वन मोर डिविजन। देखिए यहाँ पे ये वाटर हो गया, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक 29% यहाँ पे होना चाहिए था, राइट, 29% यहाँ पे होना चाहिए था, 71% वाटर एंड 29% लैंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3/4 वाटर, कितना है 3/4 इज योर वाटर, ठीक है।
अब अगर हम आगे बात करें, अब देखिए ओले इज नॉट हेल फॉल, ओले इज नॉट हेल फॉल, जब वही स्मॉल स्मॉल पत्थर के टुकड़े जब आपस में जुड़ जाएंगे एट दैट टाइम इट विल बी हेल फॉल, ठीक है। जब वही छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जब आपका आपस में जुड़ जाएगा एक शीट जैसा बना देगा, दैट शीट इज नोन एज योर हेल फॉल, ठीक है। यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, तो फिर आगे बढ़िए, आगे इस पर फोकस कीजिए, वापस से इसमें आ जाइए। अब देखिए अब क्या होता है, ये जो वाटर है 71%, इसका 97% अप्रॉक्सीमेटली सेलाइन होता है, दैट इज नमकीन होता है, ठीक है। और बाकी का अप्रॉक्सीमेटली 3%, बाकी का अप्रॉक्सीमेटली 3% यहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश वाटर कितना होता है, ऑलमोस्ट 2.5%, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3%। अब इस अप्रॉक्सीमेटली 3% के साथ क्या होता है, इसको देखिए 69% तो इसका आइस में चला जाता है, जो फ्रेश वाटर है उसका भी 69% ग्लेशियर्स के फॉर्म में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ग्लेशियर्स के फॉर्म में वहां पे रिजिड रहता है, वो मेल्ट होके वाटर बनने का चांसेस कम रहता है, अनलेस एंड अंटिल देयर आर फैक्टर्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो बाकी 30% है दैट इज योर ग्राउंड वाटर, एंड रेस्ट रिमेनिंग कितना रह गया, सिर्फ 1%, रिमेनिंग कितना रह गया, सिर्फ 1%, एंड दिस 1% इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ वाटर जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, दिस 1% इज एक्चुअल कंज्यूमेबल वाटर, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक से, ज्योग्राफी से ओवरऑल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे अच्छे से ध्यान से तो फिर आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, वी हैव कवर्ड होल ऑफ हाइड्रोस्फीयर इन दिस लेक्चर, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसका जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका जल्दी से आंसर कीजिएगा। द मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज, अभी अभी आपने देखा अर्थ में सोर्सेस क्या था, 71% सेलाइन था, और बाकी जो आपका यहाँ पे 71% सेलाइन रहने के बाद बाकी का जो आपका परसेंटेज था अप्रॉक्सीमेटली 29% आपका क्या था यहाँ पे, फ्रेश वाटर, ठीक है, ओके। लेट मी टेल दिस टू यू वन मोर, अर्थ में टोटल 71% आपका वाटर था, यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी, कोई बात नहीं, दोबारा देखिए इसको, 71% वाटर था और 29% लैंड था। इस 71% में से भी 97.5% आपका सेलाइन वाटर था एंड रिमेनिंग 2.5% आपका फ्रेश वाटर था, राइट। अब पूछा गया है कि इस 2.5% फ्रेश वाटर में से यूजेबल वाटर कितना है, इसमें से जो 69% आपका ग्लेशियर्स में था या फिर आइस के फॉर्म में था, उसको तो आप जाके यूज नहीं कर सकते एंटार्क्टिका में जाके, ठीक है, या फिर आर्कटिक ओशन में जाके, तो बाकी कितना रह गया था, ऑन एन एवरेज 30% आपके पास यहाँ पे रह गया था ग्राउंड वाटर, और यहाँ पे 1% था आपका रेस्ट। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा हुआ, वेरी गुड, यहाँ पे सभी लोगों ने आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम जो सोर्स है दैट इज योर अंडरग्राउंड वाटर, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दबाजी में देख के, जैसा कि यहाँ पे योगेश वर्मा ने बी ऑप्शन को टिक किया, देखिए इसको एग्जामिनेशन में देख के कुछ लोग शायद से ओशन को टिक करके आ जाए तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर, आप किसे यूज कर सकते हो, सेलाइन हो गया वो वाटर, तो सेलाइन वाटर हो गया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विदाउट एनी डाउट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, अभी अभी हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बारे में बात किया था, ध्यान से देखिएगा, प्रेसिपिटेशन में एक टॉपिक था रेनफॉल, ओके, प्रेसिपिटेशन में एक टॉपिक क्या था, रेनफॉल, एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन था आपका रेनफॉल, जैसे कि स्नोफॉल होता है, हेलफॉल होता है, उसी तरीके से एक टाइप क्या था, रेनफॉल। अब यहाँ पे बात आ गई है कि रेनफॉल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया है, रेनफॉल के भी टाइप्स होते हैं, नंबर वन कन्वेंशनल रेनफॉल, नंबर टू
ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड नंबर थ्री साइक्लोनिक और फ्रॉन्टल रेनफॉल। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये टाइप्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर वन के बारे में बात करेंगे, दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। जो चीज आप बचपन से देख रहे हो, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, या आप बचपन से देख रहे हो बस नाम सुनने में कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, जो चीज आप बचपन से देख रहे हो वही है। सबसे पहले वाटर का यहां पे क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया। ठीक है, अब इवापोरेशन होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लाउड्स बन जाना, दैट इज कॉन्डेंसेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये एयर मास बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। देखिए यहां पे जो एयर मास का कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ इतना है, आप मान लीजिए एयर मास एक बैग के जैसा है, एक थैले के जैसा है, वो तब तक ऐसे ऊपर जाता रहेगा इवेपोरेट होके जब तक उसके अंदर और पानी जाने का क्षमता रहेगा। वंस योर बैग इज फुल, तब क्या हो जाएगा, वंस योर बैग इज फुल तब यहां पे बारिश हो जाएगा, विच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रणवीर यादव, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं देन यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली टू एनसीईआरटी, बिकॉज वी हैव ऑल्सो कंपाइल्ड सम ऑफ द स्टफ्स फ्रॉम एनसीईआरटी हियर। ठीक है, ओके, देखिए अब क्या हुआ, अब यहां पे प्रेसिपिटेशन हो गया, दैट इज योर यहां पे क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। एकदम सिंपल लेमैन टर्म्स में हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल टर्म्स, एकदम कॉमन मैन के लैंग्वेज में हम इसको समझ रहे हैं। इवेपोरेशन हुआ, कॉन्डेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बना, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, बारिश हो गया। ठीक है, रेनफॉल हो गया। ये जो नॉर्मल सा साइकिल होता है ना, एयर मास का इस तरीके से ऊपर जाना और इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना, दिस नॉर्मल साइकिल इज नोन एज योर कन्वेंशनल रेनफॉल। ये आपका क्या हो गया, कन्वेंशनल रेनफॉल। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या चीज है। नेक्स्ट यहां पे बहुत ही गौर से देखिएगा कौन से लोकेशन पे ये होता है, यहां पे लोकेशन क्या होता है ऐसा होने का। ठीक है, लोकेशन देखिए, जो अर्थ में लास्ट क्लास में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, तब यहां पे इक्वेटर है एट 0°C, सॉरी एट 0°, नॉट सेल्सियस, एट 0°, यहां पे आपका क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर में हर सुबह यहां पे बहुत तेज धूप होती है, तो हर सुबह यहां से एयर मास इस तरीके से उठेगा। अभी जो पिक्चर आपने देखा था उसको यहां पे रिलेट कीजिए इस इक्वेटर के साथ, उसको आप रिलेट कीजिए, एयर मास इसे ऊपर उठेगा, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं इक्वेटर पे, फिर यहां पे क्या होगा, क्लाउड्स बनेगा। ठीक है, क्लाउड्स बनेगा, दैट इज कॉन्डेंसेशन होगा। ठीक है, एयरमास बहुत भारी हो गया, क्लाउड्स बहुत भारी हो गया, बहुत सारा वाटर वेपर उसके अंदर चला गया, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब और वाटर वेपर वो नहीं अपने साथ ले सकेगा, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दैट टाइम यहां पे रेनफॉल हो जाएगा, यहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इक्वेटर में हर दिन होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ऑलमोस्ट हर सुबह बहुत तेज धूप आएगा, एंड ऑलमोस्ट हर शाम को वहां पे बहुत तेज बारिश आएगी। ठीक है, अब आप सोचिए, बहुत अच्छा यहाँ पे सनलाइट मिल रहा है, सब कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे सनलाइट मिल रहा है, साथ ही साथ बहुत अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल भी हो रहा है, धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो पेड़ पौधे यहाँ पे कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, इसीलिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे। और अमेज़न भी आपका कहाँ है, यहीं पे लाइव करता है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज नोन एज योर कन्वेंशनल रेनफॉल। लेट अस लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब यहाँ पे नंबर टू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई डाउट मुझे नहीं दिख रहा है। श्रीकांत श्रीवास्तव, डीजी नोट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ओके,
नाउ नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ. इसमें आपको कन्वेंशनल में कोई डिस्कशन यहाँ पे और मुझे कोई डाउट्स नहीं दिख रहा है कन्वेंशनल में. देन लेट अस मूव ऑन टू दी ओरोग्राफिक रेनफॉल. अब हम लोग यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं. ओके सो कंसंट्रेट. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है बहुत ही ध्यान से देखिएगा. देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे सेम हुआ, इस तरीके से आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है क्लाउड्स एक्चुअली हम लोग वर्ड यूज नहीं करते, द वर्ड इज एयर मास एक्चुअली. ओके बट अब देखिए आगे क्या हुआ, एकदम लेमन लैंग्वेज में इसको समझिए. आगे क्या हुआ, आगे यहाँ एक माउंटेन है. ठीक है यहाँ एक माउंटेन है या फिर एक हिल है, एक हिल या फिर एक माउंटेन यहाँ पे है. ठीक है क्लाउड्स देखिए ऐसे जा रहा है, इस तरीके से क्लाउड्स जा रहा है. अंदर क्या है, अंदर वाटर वेपर है, बैग लेके जा रहा है, बैग लेके जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है और उसको रास्ते में क्या मिल गया, पहाड़ मिल गया. ठीक है टकरा गया उसके साथ. अब क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या फिर मैं एकदम सिंपल वर्ड में लिख रही हूं यहां पे रेनफॉल हो जाएगा. अब यहां पे क्या हो गया, रेनफॉल हो गया. ठीक है सब पानी तो यहां पे गिर गया, अब रेनफॉल तो यहां पे हो चुका. तो अब जब यही क्लाउड या फिर यही एयर मास जब आपका अब आगे जाएगा, देन क्या कोई पानी बच गया है इसके अंदर, ये बैग में कोई पानी अब बच गया है, नहीं. ठीक है तो अब आगे जाके यहां पे कोई रेनफॉल नहीं हो पाएगा. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इन द सेम माउंटेन In your left hand there is rainfall and in your right hand there is no rainfall. Clear है, एक ही पहाड़ में एक ही माउंटेन के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता है, मैं सिर्फ इस डायग्राम को दिखा रही हूँ. जहां पे क्लाउड्स आके टकराए इस साइड में बारिश हुआ एंड यही पे राइट साइड में बारिश नहीं हुआ. विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ. ठीक है ये जो साइड में रेनफॉल हुआ दैट साइड इज नोन एज विंड वर्ड. एंड जिस तरफ रेन नहीं हुआ, जिस तरफ रेन नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुआ, दैट साइड इज नोन एज लीवर्ड. सेम पहाड़ है, एक तरफ बारिश हो रही है, जिस तरफ बारिश हो रही है दैट इज नोन एज विंड वर्ड. और रेन हुआ ना तो रेन खिलाया गया, रेन फेड, रेन फेड. ठीक है दूसरे तरफ रेन नहीं हुआ सो दिस रीजन यहां पे क्या हो गया, रेन के ऊपर छाया पड़ गया, रेन के ऊपर शेडो पड़ गया, सो इट इज नोन एज रेन शेडो. ओके इज दिस थिंग क्लियर, क्या यहां पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो गया. नंबर वन क्लाउड्स, नंबर टू क्लाउड्स जाके माउंटेन से टकरा गया. ठीक है ऐसे ही आप समझ लीजिए. तो यहां पे नंबर टू क्या हो गया, रेनफॉल हो गया. ठीक है क्लाउड्स आगे तो बढ़े लेकिन पानी तो सब ऑलरेडी क्या हो गया, रेनफॉल तो ऑलरेडी हो चुका. तो इसीलिए जो आपका नंबर थ्री ये साइड है यहां पे रेनफॉल नहीं होगा. ओके क्लियर है. ओके सी अगर यहां पे देखिए आप एक बार दोबारा इस चीज को देखिएगा, सेम चीज यहां पे है. क्लाउड्स बना पहले, माउंटेन से टकराया, एक साइड में रेनफॉल हुआ, दूसरे साइड में रेनफॉल नहीं हुआ क्योंकि क्लाउड्स ऑलरेडी बारिश कर चुका है, ऑलरेडी बारिश यहां पे हो चुका है. जिस साइड में बारिश हुआ है दैट इज विंडवर्ड और रेन फेड, जिस साइड में बारिश नहीं हुआ है दैट इज लीवर्ड और रेन शेडो, रेन पे छाया पड़ गया है, रेन नहीं हुआ है. क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो यस लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके आगे यहाँ पे आई स्किप वन मोर, यहाँ पे एक और टाइप ऑफ रेनफॉल है दैट इज फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल. यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिएगा, एक वार्म एयर मास, एक वार्म एयर मास अपने रास्ते से ऐसे जा रहा था. ठीक है वो ऐसे जा रहा था, उसको रास्ते में कोई और मिल गया, दूसरे साइड से भी तो कोई आ सकता है ना, ट्रैफिक जैम तो हो ही सकता है. दूसरे साइड से उसको यहाँ पे एक कोल्ड एयर मास मिल गया. ठीक है अब क्या होगा, एक वार्म एयर मास मिल गया, एक कोल्ड एयर मास मिल गया, दोनों आ गए सामने सामने, फेस टू फेस हो गए. अब क्या होता है, वी नो जो जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर जाएगा, जो जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर जाएगा. अब देखिए वार्म में गर्म है तो गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा.
ठीक है, तो ये वार्म एयर राइजेस अप, ये ऊपर की तरफ और चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वार्म एयर फ्रंट आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन हो जाएगा ना, टेंशन हो जाएगा, दोनों आपस में मिल गए ना, टेंशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल रेनफॉल. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि फ्रंटल रेनफॉल इज रिलेटेड टू साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, दोनों को आप सेम सेम साथ ही साथ याद रखिए, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, वेयर अ वार्म फ्रंट मीट्स अ कोल्ड फ्रंट, देयर बाय वार्म फ्रंट राइजेस अप एंड द कोल्ड एयर मास सिंक्स कंपेयर टू द वार्म फ्रंट. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, हम लोग आगे देखते हैं और यहाँ पे क्या है, ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ क्योंकि हम लोग हाइड्रोस्फीयर टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो फिर यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ओशंस. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशंस के बारे में. देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो फिर ध्यान से देखिएगा ओशंस को यहाँ पे हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं. इस मैप को ध्यान से देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, एटलीस्ट बाय टू मैप्स, वन वर्ल्ड मैप एंड वन इंडियन मैप. अगर आपके पास है तो आप उसी मैप में इसको मेरे साथ साथ ड्रॉ कर दीजिए, और अगर नहीं है दोबारा इस लेक्चर को देखिएगा और उसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है. देखिए ये आपको पका पकाया मिल जाएगा, वर्ल्ड मैप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना, मार्केट में मेरे ख्याल से 5 रुपीज का मिलता है. अब देखिए इस मैप में ध्यान से देखिए, ये हमारा इंडिया है. ओके, लेट मी चेंज द कलर टू रेड. ये हमारा इंडिया है, ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, ठीक है. एंड पैसिफिक ओशियन के तरफ भी एक ऐसा ट्राइंगुलर रीजन दिख रहा है. ये दोनों साइड को जोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मथुरा वाले, ओके क्वाइट अ डिफरेंट नेम, बट यस वेट, आई विल टेल यू व्हाट इज पैसा, जस्ट वेट, ओके जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. नाउ सी, ये जो ट्राइंगुलर रीजन दिख रहा है और ये जो ट्राइंगुलर रीजन दिख रहा है, दैट इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल का शेप दिखाई दिया. सो पैसिफिक ओशन इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है. आगे हम लोग और डिटेल्स को देखेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में. राइट नाउ रिमेंबर, पैसिफिक ओशन इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. नेक्स्ट अटलांटिक ओशन को ध्यान से देखिए. अटलांटिक ओशन में क्या आपको यहाँ पे एक एस शेप दिख रहा है? कैन यू सी द शेप ऑफ द इंग्लिश लेटर एस? यहाँ पे एस बन रहा है, राइट? कौन सा इंग्लिश लेटर बन रहा है? एस. तो पैसिफिक ओशन में कौन सा इंग्लिश लेटर बनता है? द आंसर इज एस, ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, एस फॉर दिस शेप, एस ऐसा शेप उसका दिखता है, ठीक है. थर्ड, बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में, ध्यान से देखिएगा यहां पे कौन सा शेप बन रहा है. जो शेप इंडियन ओशन में बन रहा है, दैट इज रफली ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एम, ठीक है. जो शेप इंडियन ओशन में बन रहा है, दैट इज एम, कैपिटल एम आपका यहां पे इंडियन ओशन में बन रहा है. क्लियर है? आपका पैसिफिक ओशन में जो शेप बना था, दैट इज ऑफ अ ट्राइंगल. अटलांटिक ओशन में जो शेप बना, दैट इज ऑफ कैपिटल एस. एंड इंडियन ओशन में जो शेप बना, दैट इज ऑफ कैपिटल एम, ठीक है. अब देखिए इनको अगर साइज के हिसाब से अरेंज करना पड़े तो फिर क्या होगा, इफ यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द साइज, देन जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है, दैट इज योर पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. नंबर टू पे जो स्टैंड करता है, दैट इज योर अटलांटिक ओशन. नंबर थ्री पे स्टैंड करता है आपका इंडियन ओशन. नंबर फोर पे स्टैंड करेगा साउदर्न ओशन. एंड नंबर फाइव पे स्टैंड करेगा आर्कटिक ओशन. सो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसा. सॉरी, ये पैसा का क्या है, ये पैसा का फुल फॉर्म है, ठीक है. पी फॉर पैसिफिक ओशन, पी फॉर पैसिफिक ओशन. ए फॉर अटलांटिक ओशन, आई फॉर इंडियन ओशन, एस फॉर साउदर्न ओशन एंड ए फॉर आर्कटिक ओशन. तो अगर कभी आपको एग्जाम में पूछे कि अरेंज देम इन सीक्वेंस, तो यहाँ पे दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, देखते हैं आगे यहाँ पे और क्या है.
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू आंसर टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. द ओशन विच टचेस द एशियन एंड अमेरिकन शोर्स इज, जल्दी से यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए, मैं वापस आपके लिए मैप को लगा रही हूँ. द ओशन विच टचेस, कौन सा ओशन टच करता है एशियन शोर को एंड अमेरिकन शोर को, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए. देखिए यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे ये आपका एशियन शोर हो गया और यहाँ पे ये वाला शोर आपका किसका हो गया, अमेरिका का शोर हो गया. अब देखिए जल्दी से बताइए कौन सा ओशन है जो टच कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दीजिए. प्रीवियस ईयर SSC क्वेश्चन है, सो इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट. माही मनप्रीत हैज गिवन दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशन. यहाँ पे साफ आपको दिखा था कि पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा ओशन के पास इंग्लिश अल्फाबेट का शेप है. अब यहाँ पे वैसे तो इंडियन ओशन के पास जो आपका शेप बनता है दैट इज M, अटलांटिक ओशन का शेप था S, एंड पैसिफिक ओशन का जो आपका शेप था दैट इज ट्राइंगल. सो ट्राइंगल इज नो, ट्राइंगल इज नो अल्फाबेट. ओके तो यहाँ पे जल्दी से बताइए, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हमने कोई एडिट नहीं किया और एज इट इज यहाँ पे आपके सामने रखा है विदाउट एनी एडिटिंग वी हैव केप्ट दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आंसर आपका इंडियन ओशन भी हो सकता है, अटलांटिक ओशन भी हो सकता है, राइट. सो इन सच काइंड ऑफ अ केस व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू इन सच काइंड ऑफ अ केस. सी क्वेश्चन जैसा था वैसा हमने एज इट इज रखा. द ऑफिशियल आंसर इनिशियली वॉज गिवन एज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अटलांटिक ओशन. ठीक है, क्योंकि दिस इज योर ऑफिशियली मोर रिकॉग्नाइज्ड, या ऑफिशियली ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और इसीलिए. प्लस अगर आप देखें कि कंपैरेटिवली किसका साइज ज्यादा है तो अटलांटिक ओशन का साइज भी आपका ज्यादा हो गया. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अदरवाइज नेहा सोनी, अनिक मुखर्जी, यस बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, बट इन दिस केस जो आपका SSC का आंसर था दैट वॉज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर अटलांटिक ओशन. ठीक है, बी इट बिकॉज ऑफ द साइज और बी इट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस, दैट द मोर एक्सेप्टेड इज योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये आपको लगभग हर एक बुक में मिलेगा. इंडियन ओशन M है, ये हर बुक में शायद ना मिले, लेकिन लेकिन आपका अटलांटिक ओशन S है, ये आपको हर बुक में मिलेगा. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी प्रीवियस ईयर पेपर आई हैव फाउंड दैट इस टॉपिक से बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है. ठीक है, इसीलिए इन फैक्ट्स को ध्यान से यहाँ पे तुरंत ही तुरंत साथ ही साथ याद करते जाइएगा. ठीक है, नंबर वन इज योर पैसिफिक ओशन एंड वी ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ पैसा इट इज द लार्जेस्ट ओशन. इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा जो ओशन है दैट इज ऑल्सो योर पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट, कितना परसेंटेज ये अर्थ में कवर करता है, अर्थ में जितना आपका अर्थ का सरफेस है उसमें 1/3% आपका क्या होता है ओशन कवर करता है, और उसमें से भी 1/3% आपका क्या कवर करता है पैसिफिक ओशन, तो अकेला उसको कवर करता है. ठीक है, बात करें शेप का तो शेप कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है शेप. ठीक है, नाउ मरियाना ट्रेंच, डू रिमेम्बर दिस मरियाना ट्रेंच, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी पॉइंट्स को आप भले ही भूल जाए चलिएगा, लेकिन मरियाना ट्रेंच को कभी मत भूलिएगा. मरियाना ट्रेंच का आपका डेप्थ कितना है, कितना ये डीप है, इट इज 11,033 मीटर डीप, मतलब लगभग 11 किलोमीटर डीप है, गहराई है. ठीक है, आगे मरियाना ट्रेंच का लोकेशन बहुत बार पूछा जाता है, कौन से ओशन में मरियाना ट्रेंच लोकेटेड है, आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. नेक्स्ट, अगर आपको पूछे डॉली गुप्ता, वेरी गुड, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ऑल्सो फाउंड इन योर पैसिफिक ओशन. ठीक है, इसीलिए उसको बोला ही जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. नाउ नाउ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लेट्यू के बारे में पूछा गया है. यहाँ पे आशीष दीक्षित, अगर आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया था तो फिर आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन बटन के साथ ही साथ एक बेल, एक ऐसा बेल का सिंबल बना हुआ होगा,
आप उस बेल पे क्लिक कीजिए। अगर आप उस बेल पे क्लिक करेंगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। वापस से आप टॉपिक पे जल्दी से फोकस कीजिए। प्लेट्यूज, देखिए जितना माउंटेन्स प्लेट्यूज आपको अर्थ के ऊपर दिखता है, आपको लैंड के ऊपर दिखता है, उतना ही माउंटेन्स प्लेट्यूज, इनफैक्ट उससे कई ज्यादा माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ओशन के नीचे होता है। आगे जाके हम उसको जरूर देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए दैट एल्बेट्रॉस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। नाउ द नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स, ब्रिटिश कोलंबिया, ओके, चिले आइलैंड, ठीक है, नेक्स्ट कुरील आइलैंड, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इन सबका लोकेशन कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। बेरिंग सी, उसके बाद इंपॉर्टेंट सी का लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं इसलिए हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे रहे हैं। बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेक्स्ट बन जाएगा चाइना सी, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी आर नॉट लोकेटेड इन इंडियन ओशन, दे आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ओके। और आगे चल के अगर हम लोग एक और देखें तो फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब इसमें से दो पॉइंट ऐसे हैं जो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते एग्जाम के लिए, नंबर वन मरियाना ट्रेंच, नंबर टू चाइना सी, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। क्लियर, आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, अब तक ये आपके लिए बहुत आपका इजी हो गया होगा अब तक ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी यू नो पैसा, सो नंबर वन आपका डीपेस्ट ओशन कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक ओशन, ठीक है। दो दिस इज द रेंज, पर यहाँ पे पहला पी कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, बट पहला पी जो आपका नंबर वन पी है, दैट इज पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। द डीपेस्ट सर्फेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे जो डीपेस्ट सर्फेस आपको अर्थ में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से सबसे डीपेस्ट कौन सा होगा? आंसर क्या हो जाएगा? द डीपेस्ट इज अ ट्रेंच, दैट इज मरियाना ट्रेंच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड रहता है, ठीक है। आप मैप में दोबारा अगर इसको देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि ज्यादा पास पास पड़ता है सभी कॉन्टिनेंट्स, विच इज द रीजन वाई अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन। द साइज ऑफ द अटलांटिक ओशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। कौन सा लेटर को रिजेंबल करता था? द लेटर एस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द लेटर एस को रिजेंबल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की अगर हम बात करें, ब्रिटिश इसल्स, दैट इज ब्रिटिश बेसिकली, वेस्ट इंडीज, ठीक है। जिस तरीके से मरियाना ट्रेंच कहाँ पे था? मरियाना ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशन में था, उसी तरीके से अटलांटिक ओशन में भी कुछ ट्रेंच का नाम देख लेते हैं। सैंडविच खाते हैं ना, उसी तरीके से साउथ सैंडविच इज द नेम ऑफ अ ट्रेंच इन अटलांटिक ओशन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, बिकॉज सैंडविच इज अ फूड। उसी तरीके से साउथ सैंडविच इज द नेम ऑफ अ ट्रेंच इन अटलांटिक ओशन। रोमांचे इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ ट्रेंच, ऐसा एक खाई है, ऐसा एक गहराई है, ठीक है, जो आपका कहाँ पे पाया जाता है? अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सी के बारे में, यहाँ पे कौन से छोटे इंपॉर्टेंट सीज है, ठीक है, दे आर बफिन, हडसन बे, यहाँ पे हडसन बे आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हडसन लेन बोल के आपका एक लेन भी है दिल्ली में, सो हडसन बे इज इंपॉर्टेंट। नॉर्थ सी, मेडिटेरियन सी इज अगेन इंपॉर्टेंट, मेडिटेरियन सी इज इंपॉर्टेंट, कैरेबियन सी इज इंपॉर्टेंट एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, नंबर वन साइज ऑफ द लेटर एस, नंबर टू साउथ सैंडविच एंड नंबर थ्री हडसन बे एंड मेडिटेरियन सी। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, जल्दी से इसका आंसर देना है। द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज इन,
अंकित कुमार नोटिफिकेशन बेल पे टिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। द बिजिएस्ट ओशन कौन सा होगा? सबसे बिजिएस्ट ओशन डीपेस्ट पूछा जाता तो पैसिफिक होता, बिजिएस्ट पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पे आंसर कर दीजिए। यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेणुका। यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लक्ष्मी, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेट्स प्रोसीड फर्दर। विच, ये वाला इजी क्वेश्चन नहीं होने जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट? क्या पूछा गया है? ट्रेड करने का रूट, ट्रेड रूट। लेकिन अब तो ऑप्शन में कहीं अटलांटिक ओशन दिया ही नहीं है, अब तो ऑप्शन में अटलांटिक ओशन नहीं है। अब आप कौन से ऑप्शन को यहाँ पे सही आंसर टिक करेंगे? अब कौन से आंसर को आप सही आंसर टिक करेंगे? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, दैट इज, अब तक मुझे कोई सही आंसर अब तक दिखा नहीं है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर स्विस कैनल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विस कैनल। देखिए, स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल कैनल है, इंसानों के द्वारा बनाया गया कैनल है। इट इज अ मैन मेड कैनल दैट कनेक्ट्स योर मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है स्विस कैनल, विच इज द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट। अगर ऑप्शन में अटलांटिक ओशन नहीं दिया है, देन दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रोवाइड्स एंट्री इन टू द, ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग मैप, जैसा कि मैंने बोला, यू मस्ट बाय अ मैप एंड सर्च दिस नेम्स एंड हाईलाइट दीज पॉइंट्स, ओके, सो दैट यू रिमेंबर देम फॉर एवर। पिक्चर एक बार देख लेने से आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अटलांटिक ओशन। इसको आप लोग एक बार मैप में जरूर देखिएगा, सो आपका ये एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट इज नेम आफ्टर अ कंट्री, एक देश के पीछे नाम दिया जाने वाला एक लौता ऐसा ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन। नाउ, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था, जैसे कि आपने मैप में देखा था, इंडियन ओशन का जो लिमिट है, ऊपर कहाँ तक जाता है? ये लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, लगभग 23.5 तक ये जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ट्रेंचेस वैसे तो नहीं पाया जाता है, वैसे तो यहाँ पे ट्रेंचेस बहुत ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ऑलरेडी साइज इज वेरी लेस, बट यहाँ पे जो एक ट्रेंच पाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ एकदम कम पाई जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुंदा ट्रेंच। सुंदा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच पूछे, एवरीबडी विल आंसर पैसिफिक ओशन, सुंदा ट्रेंच पूछे, आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन। आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आर अंडमान एंड निकोबार, विच इज अ वॉल्केनिक आइलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, जिसमें से लक्षद्वीप इज कोरल आइलैंड्स। रिमेंबर दिस, अंडमान एंड निकोबार इज वॉल्केनिक आइलैंड, अभी अभी देखेंगे आप लोग वॉल्केनिक आइलैंड्स कैसे बनता है, एंड लक्षद्वीप इज योर कोरल आइलैंड, कोरल रीफ से वो बनता है, ठीक है। बात करते हैं मार्जिनल सीज के बारे में, मतलब सीज के बारे में, या फिर थोड़ा छोटा लेवल का ऐसा सी जिसका एक हिस्सा, वन साइड इज एटलीस्ट कवर्ड बाय लैंड, ठीक है, लैंड कवरिंग उसमें होता है, दैट इज योर रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। सो इफ इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, रेड सी इज इन, आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सी, लुक एट दिस डायग्राम वेरी वेरी नाइसली, आई होप यू कैन सी दिस। मैं एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फुल स्क्रीन इसको कर दिया जाए, ताकि ये डायग्राम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, या फिर हम इसको जूम इन भी थोड़ा सा कर देते हैं। पहले आप पूरा डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी आपके लिए कर दूंगी। लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुल। ये वाला जो रीजन है, ओके, इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर टू रेड ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे ये ध्यान से देखिए इस रीजन को, यहाँ पे है आपके कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अब इन कॉन्टिनेंट्स के साथ जो ये रीजन, मैं जहाँ जहाँ शेड करती जा रही हूँ वहाँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, कैन सी, ओके।
ये वाला जो आपका रीजन है जो कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, दिस रीजन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। जो इसके बाद, इस रीजन को हम हटा देते हैं, इसके बाद जो ये नेक्स्ट ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, जहां मैं शेड कर रही हूं, वहां देखिए, जहां रेड पेन चलता हुआ दिख रहा है, वहां देखिए, चलिए थोड़ा सा और जूम कर दिया, अब तो बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पे था आपका कॉन्टिनेंस, अब जो आपको रेड शेडेड एरिया दिख रहा है, दैट रेड शेडेड एरिया इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये आपका कौन सा एरिया है? कॉन्टिनेंटल स्लोप इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो ये आपको तीसरा लेयर दिख रहा है, ये जो आपका तीसरा लेयर दिख रहा है, इस लेयर के बाद, इस लेयर के बाद यहां पे जैसे लैंड के ऊपर प्लेन्स होता है ना, यहां पे भी उसी तरीके से प्लेन्स होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या क्या देखा है, हमने यहां पे क्या क्या देखा है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर वन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा है। नंबर टू, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा है, स्लोप मतलब ये ढलान। और नंबर थ्री, जैसा कि अर्थ के ऊपर आप देखते हैं प्लेन हो जाता है, उसी तरीके से यहां पे भी देखिए क्या हो गया है, प्लेन हो चुका है। ठीक है, प्लेन्स बन चुका है। नाउ जिस तरीके से आपको अर्थ के ऊपर माउंटेन्स दिखता है, जिस तरीके से आपको अर्थ के ऊपर माउंटेन्स दिखता है, उसी तरीके से ओशियन के नीचे भी माउंटेन्स होते हैं, उसी तरीके से वॉल्केनो के वजह से ये माउंटेन पीक्स, दोबारा आप पेन के कलर को देखिए, यहाँ पे ओशन के नीचे भी आपका क्या होता है, माउंटेन्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सी माउंट्स या फिर समुंदर के माउंटेन्स, सी माउंट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, इन्हीं माउंटेन्स का ये जो ऊपर का हिस्सा है, वो अगर पानी से ऊपर उठ गया तो यही हिस्सा आपका क्या बन जाएगा, वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाएगा। यही हिस्सा आपका बन जाएगा वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल योर अंडमान एंड निकोबार। डू नॉट वरी, द सेम पिक्चर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द डीजी नोट्स में आपको सेम पिक्चर दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बीच का लोकेशन दिख रहा है, दिस पार्ट इज योर कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। यहाँ पे कंटिन्यूअस छोटे छोटे माउंटेन के रेंजेस आपको दिखाई देगा, और ये जो बीच में आपको ये यहाँ पे ये गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज मिड ओशनिक रेंज। और मिड ओशनिक रेंज पूरे के पूरे ग्लोब में, पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मिड ओशनिक रेंज आपको दिख जाएगा, जो कि एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अर्थ पहले एक्सपेंड हो रहा था, अभी भी अर्थ एक्सपेंड हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन आपका ये रिज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो नंबर वन कॉन्टिनेंट, नंबर टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नंबर थ्री कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, अब देखिए इसमें वापस से हम लोग नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वापस से हम लोग यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाए, और ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको डीजी नोट्स के साथ मिल जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बस आप इसको देखिए। और यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग्स में जाने का ज़रूरत नहीं है एसएससी के लिए, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट्स में उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जैसे ही वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। योगिता अग्रवाल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे प्लीज़ आस्क इट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, else let us move to the next slide। देखिए यहाँ पे next जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, that is about these major divisions। शम्मी मिश्रा, I got your question, is this classes sufficient? Yes, these classes are sufficient। यहाँ पे जितना hydrosphere से topic निकल सकता है, उन सभी topics को हमने यहाँ पे compile किया है, so this is going to be sufficient। बात करते हैं next हम लोग major divisions of the ocean floor के बारे में। मेजर डिविजन्स ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नंबर वन क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपने लास्ट डायग्राम में देखा था, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नंबर वन क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो ढलान होता है वो एक डिग्री से भी कम होता है, दैट इज लेस देन वन डिग्री, मतलब बहुत कम ढलान होता है। और अगर हम यहाँ पे डेप्थ की बात करें, देन इट इज 200 मीटर। ज्यादा इसमें डिटेल्स में घुसने का जरूरत नहीं है।
कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में अगर हम लोग बात करें, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, शेल्फ, स्लोप, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा, और समुद्र के नीचे जो प्लेन्स होता है उनको बोला जाता है एब्सिसल प्लेन, उनको बोला जाता है एब्सिसल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे जो समुद्र के नीचे आपको प्लेन दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर एब्सिसल प्लेन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर एंड सेलिनिटी के बारे में। ठीक है, अर्थ का जो नॉर्मल सर्फेस टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस, राइट। अर्थ में जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बात करें समुंदर में टेम्परेचर कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट और सन्स एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ, ओनली सोर्स अपॉन विच योर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी मिलता है वो सन की एनर्जी से मिलता है। हवेवर एक बात यहाँ पे आपको और याद रखना है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सन की एनर्जी से सिर्फ मेंटेन होता है, सन की एनर्जी के वजह से नहीं होता है। सनलाइट अर्थ में गिरता है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उस रिफ्लेक्शन के टाइम पे क्लाउड्स वगैरह ने जो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है उसके वजह से अर्थ का हीट क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ डेप्थ। जितना आप समुंदर के नीचे जाते रहेंगे उतना ही टेम्परेचर गिरता रहेगा। ठीक है, समुंदर से जितना आप नीचे जाते रहेंगे, सरफेस से, ओशन सरफेस से आप जितना नीचे जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, उतना टेम्परेचर गिरने लग जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या होता है, ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर थर्मोक्लाइन, जिसका आपका रेंज होता है फ्रॉम 100 to 400। ठीक है, 100 से 400 meters तक आपका ये रेंज हो सकता है। इस रेंज के ऊपर टेम्परेचर आपका फिर भी एवरेज होता है, लेकिन इस रेंज के नीचे टेम्परेचर ड्रास्टिकली फॉल्स। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 degrees Celsius थर्मोक्लाइन के नीचे, मतलब सरफेस से 500 मीटर के नीचे आपका जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 degrees Celsius। उसके ऊपर का जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज ऑन एन एवरेज, 23 degrees Celsius। ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और अगर आप नीचे चलते रहेंगे तो आपका वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। नाउ वन मोर थिंग, वाटर वॉल्यूम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना वाटर ऊपर है कितना वाटर नीचे है, देन 90% ऑफ द ओशन वाटर इज बिलो द थर्मोक्लाइन एंड दिस डिविजन इज योर वर्टिकल डिविजन। यहां से यहां तक ये आपका वर्टिकल डिवीजन था। अब हम बात करने जा रहे हैं हॉराइजेंटल डिवीजन के बारे में, दैट इज सरफेस पे कैसा डिवीजन आपका रहता है। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस में जो आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, इक्वेटर्स, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जितना आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली इसको आप एटमॉस्फेयर से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली कहाँ गिरेगा, इक्वेटर पे गिरेगा, इसीलिए इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है और पोल्स पे टेम्परेचर कम है। इतना कम कि पोल्स पे टेम्परेचर 0 degrees, क्योंकि वहाँ पे तो ग्लेशियर्स है ना, पोल्स पे तो ग्लेशियर्स है, तो इसलिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 degrees हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम टेम्परेचर को देखें, एवरेज टेम्परेचर समुंदर के पानी में 17 degrees Celsius होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, 27 तक जा सकता है, पोल्स पे कितना होता है, 0 degrees होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे सेलिनिटी के बारे में, मतलब नमकीन कितना है, पानी में सॉल्ट कितना है, वॉट इज सेलिनिटी, वॉट इज सेलिनिटी, ओके, येल्लो इज मोर विजिबल, वॉट इज सेलिनिटी, डिजोल्व सॉल्ट इन सी वॉटर, सेलिनिटी इज नथिंग बट डिजोल्व सॉल्ट इन सी वॉटर, समुन्द्र के पानी में कितना नमक है दैट इज योर सेलिनिटी। कैसे आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे केजी होता है, लीटर होता है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, पार्ट्स पर थाउजेंड में, दैट इज PPT में। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर
देखिए, लो एट द इक्वेटर, इक्वेटर में कितना है? इक्वेटर में सेलिनिटी बहुत कम है, मतलब नमकीन बहुत कम है, नमक बहुत कम है. कितना कम है? ऑन एन एवरेज 35, 35 PPT. देखो, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक केजी सी वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट होता है. वॉट इज 35 PPT? इतना सिंपल आप इसको समझिए, इतना सिंपल आप इसको समझिए. एक केजी अगर आप पानी लेंगे, ठीक है, केजी को लीटर में फिर आपको कन्वर्ट करना होगा, बट एक केजी अगर आपके पास पानी होगा समुंदर का, तो उसमें 35 ग्राम उसमें क्या होगा? नमक होगा. दिस इज द एवरेज सेलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर और द सी वाटर. ये एवरेज है, कहीं पे 10-12 भी हो सकता है, और अगर आप वहीं पे डेड सी के बारे में बात करें तो 240 भी हो सकता है. ठीक है, डेड सी के बारे में बात करें तो 240 भी हो सकता है, और अगर हम कैस्पियन सी के बारे में बात करें या फिर बाकी कुछ कम खारे पानी के बारे में बात करें तो वहां पे 12 से लेके 14 तक भी हो सकता है. ठीक है, वॉट इज पीपीटी? इन सिंपल वर्ड्स अगर आप इसको देखना चाहे तो 1 kg समुद्र के पानी में ऑन एन एवरेज 35 ग्राम नमक होता है. ये कैलकुलेशन करने का जो आपका है, दैट इज योर पार्ट्स पर 1000 और पीपीटी. इसी को अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो यहाँ पे 3.5% हो जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी लो एट द इक्वेटर, इक्वेटर में बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा था कि हर दिन शाम को यहाँ पे लगभग बारिश होता है, फ्रेश रेनफॉल हो रहा है, तो फिर आपका वाटर ज्यादा हो जाएगा, सॉल्ट कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज लो एट इक्वेटर. वेरी लो एट पोल्स, पोल्स में बहुत ज्यादा कम होता है, 20 तक भी यहाँ पे जा सकता है, 20 PPT तक भी, 20 parts per 1000 तक भी यहाँ पे जा सकता है. वाई? बिकॉज सनलाइट पोल्स पे डायरेक्ट पड़ता नहीं है. ये सब टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट सनलाइट तो इक्वेटर पे पड़ता है, पोल्स पे तो इंक्लाइन सनरेज पड़ता है, बहुत कम सनलाइट वहां पे पहुंचता है. दैट इज द रीजन व्हाई सेलिनिटी इज वेरी लो एट द पोल्स, ड्यू टू लिटिल इवेपोरेशन एंड नो मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, हाइएस्ट कहाँ पे है? वेयर इज द हाइएस्ट सेलिनिटी, वेयर इज द हाइएस्ट सेलिनिटी? हाइएस्ट कहाँ पे है? ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, यहाँ पे. क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है बिकॉज अर्थ इज एक्चुअली टिल्टेड एट 23.5 degrees. ये टिल्ट के वजह से एक्चुअल डायरेक्ट सनलाइट जहाँ गिरता है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब इसी वजह से वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, हीट ज्यादा होता है वहां पे, हीट ज्यादा होता है. क्योंकि हीट ज्यादा होता है इसीलिए इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है. पानी तो इवेपोरेट हो गया, नमक वहीं पे रह गया, इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा? हाईएस्ट सेलिनिटी, दैट इज योर 37 तक वहां पे जा सकता है. बात करें इंडियन ओशियन की सेलिनिटी कितना होता है, देन इट इज 35 PPT. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. और एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है, बे ऑफ बंगाल जो है ना, यहां पे जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की सेलिनिटी कम है कंपेयर टू अरेबियन सी. आपने कभी ये बात सोचा था क्या? कभी आपने ऐसा सोचा था कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ईस्टर्न पार्ट में नमकीन पानी थोड़ा कम है, सेलिनिटी कम है, वही वेस्टर्न पार्ट में आपका सेलिनिटी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि सेम चीज, जैसा कि इक्वेटर में अमेजन का पानी मिक्स हो रहा था, बहुत सारे फ्रेश वाटर मिक्स हो जा रहे थे, इसीलिए वहां पे क्या हो गया? सेलिनिटी कम हो गया. यहाँ पे भी देखिए, गोदावरी, सबसे ऊपर कौन सा आएगा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब तो किधर बह रहा है? बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, तो फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा है, इसीलिए सेलिनिटी कम हो जाती है. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज, जो समुन्द्र का पानी है वो ज्यादा खारा होता है, वो ज्यादा नमकीन होता है कंपेयर टू रेन वाटर, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर.
क्योंकि इवेपोरेशन जब होगा तब आपका पानी सिर्फ इवेपोरेट होगा, बाकी सॉल्ट उसके साथ इवेपोरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई सी वाटर यहाँ पे पूछा गया, वाई सी वाटर इज सॉल्टियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इन टू द सी, ऐसा है क्या? पहाड़ के ऊपर से जब नदी बह रही है तो यहाँ पे जितने सारे सॉल्ट्स थे, जितने सारे मिनरल्स थे, मिनरल वाटर बोलते हैं ना, जितने सारे सॉल्ट्स थे, जितने सारे मिनरल्स थे, सब यहाँ पे वॉश आउट करके लास्ट में कहाँ मिला देता है, लास्ट में वो सी में मिला देता है, लास्ट में वो सी में मिला देता है। तो ऑब्वियसली सी का आपका सेलिनिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सी का सेलिनिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तुहिना गुप्ता, ओके, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट डेड सी। सी पहले आप इसको कंप्लीट करके फिर अभी हम आपको डेड सी के बारे में बता रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे आपका वो कमेंट डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, सो येस आई विल कम टू दैट नेक्स्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आप लोगों ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, जो आपका स्ट्रेट है, जो आपका रास्ता है, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करेगा, आंसर क्या हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्विस कैनल, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करता है वो स्विस स्ट्रेट या फिर स्विस कैनल कहलाता है, विच इज एन आर्टिफिशियल कैनल, ठीक है। ओके, डेड सी इज कॉल्ड सो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही है आपका, डेड सी को डेड सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पानी ब्रैकिश होता है, दैट इज सॉल्टी होता है, बिल्कुल होता है, सॉल्टी तो होता ही है, ठीक है। डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ, बिल्कुल सही, देखिए 240 parts per 1000, मतलब आप सोचिए, एक अगर आपका 1 kg में 35 इज योर 35 ppt, अब यहाँ पे 1 kg में कितना हो जाएगा, 240 ग्राम हो जाएगा। एक केजी में 240 ग्राम लगभग आपका क्या है, नमक ही है, मतलब 25% तो उसमें नमक ही है, कौन जो वहाँ पे जिंदा रहेगा, कोई है जो वहाँ पे जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। सो दैट इज द ब्रीफ ऑफ डेड सी, आई होप इट इज क्लियर नाउ, दैट इज द ब्रीफ ऑफ डेड सी बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, दो आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 240 ppt, 240 parts per 1000 ऑफ सॉल्ट, दैट इज वाई इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ, जिसके वजह से इसको मुर्दा बोला जाता है, डेड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनल विच लिंक्स एटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन सा कैनल कनेक्ट करता है। स्विस कैनल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैनल है ना, दैट इज योर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पनामा कैनल, स्विस कैनल, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ओके। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दैट इज पनामा कैनल किसे कनेक्ट करता है, एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, पूरा टॉपिक को हम इसी लेक्चर में कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेशन अगर अब तक डेविएट हो चुका है तो वापस से आ जाइए और कंसंट्रेशन डेविएट मत कीजिए, ठीक है, ओके। समुंदर में जो पानी मूव करता है, जो पानी बहता है, दिस मूवमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल, ऐसे समुद्र का पानी मान लीजिए जा रहा है, देखिए पानी कहीं नहीं जाता है, दी पार्टिकल्स आर हियर इटसेल्फ, पार्टिकल्स यहीं पे होता है, बस ये वेव है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा समुद्र ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, दिस आर जस्ट दी वेव्स, ठीक है। और वेव्स में एक ऐसा आपका हाई पॉइंट होगा, क्रस्ट होगा, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रॉ में अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, देन यू कैन रिलेट टू दैट एज वेल, ओके। टॉपिक में आ जाता है वापस, वर्टिकल एंड यहाँ पे अभिषेक सिंह, आई एम नॉट गेटिंग योर एग्जैक्ट क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, महानदी गोदावरी, सो बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसकी सेलिनिटी कम होती है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है, महानदी गोदावरी, ओके लेट मी क्लियर इट, सी यहाँ पे बात ये है कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी,
ये सब तो फ्रेश वाटर रिवर है ना, इसमें तो फ्रेश पानी है, इसमें तो नमकीन पानी नहीं है। और बे ऑफ बंगाल में जब ये पानी आपका आके गिरेगा, आप खुद सोचिए, एक ग्लास पानी में, एक ग्लास नमकीन पानी में आपने एक ग्लास फ्रेश पानी डाल दिया, अब सैलिनिटी पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। एक ग्लास में एक चम्मच नमक डाला था, अब आपने उसमें एक ग्लास फ्रेश पानी डाल दिया जिसमें कोई नमक ही नहीं है, तो सैलिनिटी विल डिक्रीज। बिल्कुल यही केस होता है आप समुंदर के लेवल में अगर इसको सोचे तो। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल टाइड्स के बारे में। वर्टिकल टाइड्स, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज टाइड्स, एंड हॉराइजेंटल मूवमेंट, इस तरीके से बहने वाला हॉराइजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज योर ओशन वेव्स और ओशन करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल होगा दैट इज योर टाइड्स, जहां पे आपका क्रेस्ट एंड ट्रॉव होगा। ठीक है, और जो आपका हॉराइजेंटल मूवमेंट होगा दैट इज ओशन वेव्स एंड ओशन करंट। ठीक है, ओशन करंट में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या पढ़ना होगा। नेम ऑफ द ओशन करंट्स, नेम ऑफ द ओशन करंट्स, फॉर एग्जाम्पल पेरू करंट कौन से ओशन में होता है, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेरू करंट कहाँ पे है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, तो इस तरीके से नेम्स को पढ़ना है और कौन से ओशन में होना है। एक तरफ लिख लीजिएगा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एक तरफ उसमें कौन कौन से ओशन करेंट्स आता है इसको लिखेगा। योर वर्क इज डन। आगे बढ़ते हैं, टाइड्स, ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। टाइड्स के बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। समुंदर में जो टाइड्स आती है, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें आप वापस से आ जाइए। टाइड्स जो है वो दो वजह से हो सकता है। नंबर वन, ग्रेविटेशनल पुल, ये तो सबको पता है ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, अगर ऑप्शन में दिया हो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ द सन एंड द मून, दैट इज योर करेक्ट आंसर, बोथ द सन एंड द मून। मून अर्थ से ज्यादा पास है इसलिए मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, सन अर्थ से दूर है इसलिए सन का इम्पैक्ट अर्थ में टाइड्स में कम होता है। दो सन्स इम्पैक्ट इज लेस बट इट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, और मून ज्यादा पास है इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल कम होने के बाद भी असर ज्यादा दिखता है, बिकॉज इट इज क्लोजर। ठीक है, नाउ यहां पे एक बात और आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ जो ऐसे घूम गोल गोल घूमता है अपने एक्सिस में, अर्थ जब ऐसे गोल गोल घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मान लीजिए यहां पे ऐसे मून घूम रहा है, देन आपका जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर यहां पे कोई फोर्स जनरेट होगा यहां पे, ठीक है, देन दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तीनों कारण यहां पे होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइड के बारे में। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ टाइड के बारे में, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रियंका, ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम वेरी केयरफुली। ठीक है, कंसंट्रेशन लूज मत कीजिए, इस डायग्राम को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। मून जो है ना, अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। जो ये पोजीशन है, यहां पे सन भी है, यहां पे मून भी है, दोनों मिलके खींच रहा है, दोनों मिलके खींच रहा है, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइड विल ऑल्सो बी हाइएस्ट। ठीक है, 180 डिग्री में यहां पे आ रहा है, देखिए यहां पे जो लाइन बन रहा है दैट इज 180 डिग्री, दैट इज योर 180 डिग्री। 180 डिग्री में तीनों लोग हैं, दोनों मिलके खींच रहा है, सन भी खींच रहा है, मून भी खींच रहा है, बिकॉज ऑफ विच टाइड जो यहां पे जनरेट होगा दैट इज योर हाइएस्ट, नोन एज स्प्रिंग टाइड। कब होता है? दो केसेस में होता है, जब मून यहां पे होता, अगर मून यहां पे होता दैट इज, अगर फुल मून होता तब होता, और जब मून आपका यहां पे है दैट इज जब आपका न्यू मून होगा तब होगा। न्यू मून एंड फुल मून, इन दोनों ओकेशन में ये होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नीप टाइड्स। व्हाट आर नीप टाइड्स? ठीक है, अगेन सेम थिंग, ध्यान से देखिए,
मून वापस से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन पोजीशन क्या हो गया, सन मून अर्थ तीनों मिलके यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, पहले 180 डिग्री बना रहा था, तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहा था, अब कौन सा लाइन बना रहा है, अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मून अर्थ एंड सन तीनों मिलके जो एंगल बना रहा है दैट इज 90 डिग्री, मून अपना अलग खींच रहा है उधर से, सन अपना अलग खींच रहा है इधर से, ठीक है, दोनों अलग अलग खींच रहे हैं अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, तो बैलेंस हो जाएगा, जो ये आपको वाटर का गोला दिख रहा है, ये वाटर का गोला यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, जिसके वजह से लो टाइड्स आता है, जिसके वजह से क्या होता है, लो टाइड्स आता है, क्लियर हो गया होगा टाइड्स का, आपका जो भी आपका टाइड्स का डाउट्स था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, डू वॉच इट वन मोर इफ यू हैव एनी डाउट एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर डाउट फिर भी रह जाता है. Now let's come to the question. Tides in the sea have stored in them. इस question का answer बहुत जगहों में आपको confuse कर सकता है. देखिए sea में जो tides होता है उसमें kinetic energy तो होता ही है, लेकिन जल्दी से यहाँ पे answer दे दीजिए, जब gravitational potential energy दिया हुआ है, जब gravitational potential energy option में दिया हुआ है, then what will be your answer? Then what will be your answer? Then in this case, your answer will be option number C, that is gravitational potential energy. ठीक है, do not confuse it with kinetic energy. Do not confuse, अगर gravitational potential energy दिया हुआ है answer में, then that is your answer. Let's proceed to the next question. Sandeep Mali, Ankit Kumar, Mahi Manpreet, Amit Kumar, your answers, that is option number C, is correct. Shanti Bhaumik, Renuka, प्रियंका काजल, यस योर आंसर्स आर करेक्ट, सो वेरी गुड. नाउ देर इज अनदर क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ, देखिए लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेंट्स छोड़ा था, उसको आप होमवर्क में कर सकते हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, जस्ट द नेम ऑफ द करेंट एंड कौन से ओशन में वो करेंट आता है, बस आप ये देखिए करेंट का नाम एंड कौन से ओशन में वो आता है, जस्ट गो थ्रू इट. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी. वापस से आपको इसके लिए मैप चाहिए, मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट प्रेजेंट ये जो आपका एरल सी है ना, वो काफी ज्यादा न्यूज में है. एक जमाना हुआ करता था जब इसका जो आपका एरिया था वो काफी ज्यादा था, अभी ये श्रिंक होता जा रहा है, एकदम कम होता जा रहा है हर तरफ से लैंड ने, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उस एरिया में आप लोग मैप में देखिएगा इसको, वहां पे ये क्या हो गया है, पूरी तरीके से लैंडलॉक सी है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर एरल सी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, आंसर क्या हो जाएगा. अगर इंडिया होता तो आप गंगा पे टिक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एशिया में, सो योर आंसर विल बी हुआंगहो होगा क्या, नहीं, चाइना में हुआंगहो इज देयर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंस्ते और यांगसे, यांगसे और आंगसे, दैट इज योर करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए कुछ लोग ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए इंडस के साथ, तो दैट इज नॉट द आंसर. ठीक है, दैट इज नॉट द आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यांगसे. ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जहां हमने कोशिश किया कि आपके साथ सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस करें. आई अंडरस्टैंड दैट द एवरेज कंसंट्रेशन स्पेंड इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स, सो Since it is more than 1 hour, it must be a bit difficult. थोड़ा सा difficult आप लोग के लिए यहाँ पे हुआ होगा concentration को बनाए रखने के लिए. Do watch the video once more so that you get all the concepts crystal clear. और अगर यहाँ पे कोई भी doubt आता है, then post it in the comment section. I will definitely answer to it. Do not worry. If you like the video, then give it a thumbs up, hit the like button. Do not forget to share the video in all the social networking platforms you are associated with, be it Facebook, Twitter, WhatsApp. Share with all your friends, share in all the groups. And if you have still not subscribed to the channel, and जैसा कि आज कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत सारे लोगों से देखा था कि नोटिफिकेशन नहीं आया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब बटन के
पास में यहाँ पे एक बेल का सिंबल बना होगा, उस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, आपको हर एक नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी, ऑल दी कमेंट्स, येस दैट यू गॉट थ्रू इट एंड यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, इट मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और उन नामों को जो सुबह 8 बजे से लेके अब तक, मॉर्निंग के पहले सेशन से लेके शाम के लास्ट सेशन तक जो नाम मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, थैंक यू सो मच जुड़े हुए रहने के लिए सुबह के पहले सेशन से लेके आज के शाम के इस आखिरी लाइव सेशन में हमारे साथ, इन नन अदर देन महिंद्रा गुरु.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेयर योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।